हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर रखी है। पिछले लेक्चर में हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लो, आपका क्या कहता है? आपकी रिएक्शन है ए बी बी गोज टू प्रोडक्ट सी प्लस डी डी। ये लो, आपका कहता है जो आपकी इस रेट की रिएक्शन हो, वो रिएक्शन की रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो इसकी रिएक्टेंट है ए और बी की कंसंट्रेशन के, और उनकी पावर, उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट्स होंगे। इसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट इसका ए है, इसका बी है, तो ए और बी। तो ये लो, ये कहता है, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट्स। तो ये लो, आपका ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है उनकी पावर उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट्स होंगे। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, ए का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट ए है, तो ए टू द पावर ए, और बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट बी है, तो बी की पावर बी। अब जो ये ए और बी हैं, ये यहां पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट हैं, इनको आप शॉर्ट में नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। ये आपकी एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स या स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट्स। अब जैसे आपका एक, अब इसके बाद आता है आपका रेट लो। रेट लो भी बेसिकली ऐसा ही टाइप का एक लो है, उसमें बस उसमें और इसमें क्या फर्क है वो देखते हैं अभी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रेट लो के बारे में हम बात करते हैं। तो भैया, रेट लो आपका जो है वो भी ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। वो आपका क्या कहता है, तो अब आप हेडिंग डालिए रेट लो। ए प्लस बी बी गोज टू प्रोडक्ट सी सी और डी डी, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। तो इस रेट ऑफ
रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की टर्म अल्फा बीटा। यहाँ पे जो ये अल्फा बीटा है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, इनको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो ये लो आपका ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स आपकी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। आपने देखा था जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन था उसमें जो आपकी कंसंट्रेशन थी उसकी पावर जो बन रही थी वो उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बन रहे थे, लेकिन जो आपकी यहां पे है वो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे। इनको हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इसमें जैसे ए है तो यहां पे ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, ऐसे ये गलत है, ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन बन जाएगा। तो ये लो आपका यही कहता है, अब हम इसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर एक्सपोनेंट्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो ये लो आपका कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स की पावर इसमें क्या बनेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, जिनको आप एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब आपको रेट लो और जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब इसको हटाने के लिए इसमें हम लिखेंगे रेट के, इसको हटाने, ये जो प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगाएंगे अल्फा, और ये होगी आपकी बी की पावर बीटा। जो आपका के है इसके तीन नाम है, अब तो एग्जाम में वो आपको कुछ भी दे सकता है तीनों में से। तो ये जो के है इसको बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और तीसरा इसका नाम है रेट कांस्टेंट। तो इस पे आप चांद सितारे तारे जो लगा सकते हैं वो लगा लीजिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है आपका रेट लो। अब इसको एक जो हम रिएक्शन से देख लेते हैं। आपकी एक रिएक्शन है N2O5, ये है, इसके लिए आपको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसमें ये रिएक्टेंट है N2O5, तो इसके लिए आप मेरे को लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिख के दिखाओ और रेट लो भी लिख के दिखाओ। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो आप यहां पे पावर 5 चढ़ा देंगे, और अगर आप रेट लो लिखेंगे तो यहां पे पावर इसकी, इसका जो ऑर्डर है वो आएगा, और ऑर्डर मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ इसमें 1 होता है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है,
तो इसके लिए ये आपका रेट लो है। तो इसकी आप एक बार रेट लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा बी बीटा, तो रेट इज इक्वल टू के ए और बी अल्फा बीटा। ये आपकी रिएक्शन थी ए प्लस गोज़ टू प्रोडक्ट सी सी और डी डी। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो इसके बाद क्या है, हम देखेंगे जो आपका ये के है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका जो के है रेट कांस्टेंट, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन था ए गोज टू प्रोडक्ट बी भी मान लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या फिर आप ये करो वही रिएक्शन ले लेते हैं ए वाली, ए प्लस बी बी सी सी और डी डी, ये अल्फा ये बीटा। तो जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। कब होगा अब हम आपको पहले बताएंगे, तभी तो होगा, वैसे थोड़ी होगा। जब आपकी ये जो कंसंट्रेशन है दोनों की, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 मोलर होगी, तब जो आपका रेट होगा भैया वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। समझ में आ गया, रेट कांस्टेंट है जो आपका, रेट ऑफ रिएक्शन रेट लो के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि रेट इज इक्वल टू के अल्फा और बीटा। तो जब भैया ये आपकी जो कंसंट्रेशन है दोनों की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जब आपकी 1 मोलर हो जाएगी तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे इसको, अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो आपको कैसे लिखना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोलर। तो भैया ये जो है ये आपकी डेफिनेशन है रेट कांस्टेंट की, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 मोलर। जब आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 1 मोलर होगी तो तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, या के उसके इक्वल होगा। अब जो ये के है, जैसे अलग अलग पर्सन उनकी अलग अलग कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वैसे ही जो आपका के है उसकी भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, पहली भैया इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि जो आपका, आप लिख सकते हैं इसमें के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
रेट ऑफ रिएक्शन के है आपका, अच्छा वो इरेज कर दिया हमने, रेट ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा था इससे जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, या के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन है। दूसरा आपका जो के है, यूनिट्स ऑफ के इज डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हम आपको ये ऑर्डर आगे बताएंगे, ऑर्डर क्या चीज है ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा भैया जो आपका जो ये के है, के इज डिपेंड, के इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। और तीस चौथा जो आपका पॉइंट है भैया, ये इसमें आप लिख सकते हैं जो के है इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपकी ये चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे सोनू मोनू गोनू सबकी अलग अलग है, तो के की भी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये भी एक अलग फैमिली का है। पहली है इसकी जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, और जो दूसरी है उसमें के है आपका वो उस के की जो यूनिट है वो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर हम आपको तो अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। तीसरा जो है भैया के है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और चौथी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है जो के है वो इंडिपेंडेंट होगा, या इसमें आप डज नॉट डिपेंड भी लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये के है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्यों छोड़ते हैं। इसके बाद भैया क्या देखेंगे कि जो आपका ऑर्डर है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ाना तो सारा ही है हमें आपको। इसके बाद आपका देखने वाले हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे घर में भाई अलग अलग घर में अलग अलग ऑर्डर होता है, वैसे रिएक्शन में भी अलग अलग ऑर्डर होगा। तो रेट लो में हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था कि रेट है जो इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन हमने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा और बी बीटा। तो रेट आपका भैया इसमें क्या था, ए अल्फा और बी बीटा। तो इसमें जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं उनका जो सम आएगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। तो जो आपका ऑर्डर होता है अल्फा प्लस बीटा होता है जी, ये कैसे होता है डिफाइन करेंगे अभी हम इसको, टेंशन क्यों ले रहे हो आप हमारे होते हुए। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स विच या इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन कंसंट्रेशन
टर्म विच इज रेज्ड इन रेट लो इक्वेशन या एक्सप्रेशन इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन कंसंट्रेशन टर्म विच इज रेज्ड इन रेट लो इक्वेशन। तो रेट लो इक्वेशन आपकी ये है, इसमें जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है इनका जो सम है वो आपका क्या होएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जी। या इसमें आप ये लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म विच इज रेज्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन। ये आपका ऑर्डर होता है। इसके बाद जो है इसके बाद अब आपकी जो ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन है वो हम आपको बताएंगे। तो ये आपका ऑर्डर है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं अलग अलग ऑर्डर की। तो जो आपका पहला है वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप जीरो ऑर्डर में ले सकते हैं H2 प्लस Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपका 2HCl बन जाएगा जी। तो इसके लिए आप रेट लो लिखेंगे तो आपका K H2 Cl2 ये आपका 0-0 हो जाएगा जी यहाँ पे। दूसरा आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर में आप लिख सकते हैं N2O5 है जो NO2 प्लस O2 ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए आप रेट लो लिखेंगे तो K और N2O5 ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। थर्ड है जो आपका वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर में भैया आपका लिख सकते हैं आप NO2 प्लस F2 NO2F, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं 2, 4 और ये आपका, इसके लिए आप रेट लिखेंगे तो NO2 और F2 ये वन और ये वन और लास्ट है इसमें आपका थर्ड ऑर्डर। तो इसमें आप लिख सकते हैं NO प्लस Br2 NO Br 2NO Br। तो इसमें भैया आपका ऑर्डर है जो वो आपका हो जाएगा, या पहले इसके लिए रेट लिखते हैं के NO और Br2, तो वन इसका टू इसका कंट्रीब्यूशन वन इसका, तो ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा जी 2+1। इसका ऑर्डर कितना है
वन, इस वाली इक्वेशन या रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, वन जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है, इसका तो है ही नहीं, इसका है ये वन हो गया इसका, तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार दोबारा देख लीजिए फटाफट, जीरो ऑर्डर है, एच टू प्लस सी एल टू लाइट की प्रेजेंस में टू एच सी एल बनाया आपका, रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया इसके लिए आपने, के इंटू एच टू की पावर जीरो सी एल टू की पावर जीरो, इसका ऑर्डर जीरो हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी एन टू ओ फाइव, फाइव एन टू ओ फाइव गोज टू प्रोडक्ट फोर एन ओ टू ओ टू, इसके लिए आपका रेट लो एक्सप्रेशन ये हो गया, इसकी पावर यहाँ वन है तो ये आपका ऑर्डर हो गया। सेकेंड ऑर्डर है टू एन ओ टू प्लस एफ टू, टू एन ओ टू प्लस एफ टू गोज टू प्रोडक्ट टू एन ओ टू एफ, इसमें आपका ये हो गया रेट लो, इसका ऑर्डर कितना हो गया वन प्लस वन, ये आपका टू हो गया। थर्ड ऑर्डर हो गया आपका टू एन ओ प्लस बी आर टू, टू एन ओ बी आर, इसमें आपका रेट लो ऐसे लिखा आपने और ये टू और प्लस वन ये हो गया आपका ये।